पहचाना तो नहीं होगा। कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें नहीं पहचानूंगी। लेकिन ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, साड़ी, हाथों में चूड़िया, ये हैंडबैग। एक्चुअली बात ये है कि मैंने शादी कर ली है। क्या? मैंने शादी कर ली है। तुम्हें पता भी तुम क्या कह रही हो? जो तुम सुन रहे हो मैं वही कह रही हूँ, सच्चाई जो सच्चाई है वो बता रही हूँ मैं। शादी कर ली? हाँ। एक भी बार मेरा ख्याल किया कि मेरा क्या होगा तुम्हारे बिना? कैसी, इतना लाउड क्यों हो रहे हो, पहले पूरी बात को समझ लो। मेरी जिंदगी उजड़ गई और तुम मुझसे कह रही हो कि इतना लाउड क्यों हो रहे हो? मेरी बात तो सुनो, सुनो तो सही। जिससे मैंने शादी करी है वो पहले ही 60 साल का है, और मैंने उससे शादी नहीं करी, उसकी दौलत से शादी करी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन कम से कम तुम्हें मेरा इंतजार तो कर रहा था। हाँ मानता हूँ कि उस समय मैं कमजोर था, कि उस समय मैं तुम्हें रखने लायक नहीं था, लेकिन तुम्हें 1-2 साल मेरा इंतजार तो करना था, जिससे कि हम दोनों एक हो सकते थे। अरे बाबा मेरी बात तो सुन लो पहले पूरी। वो वैसे ही बीमार चल रहा है, उसमें बड़ी अकड़ है, दवाइयाँ खा खा के अपने आप को जवानी दिखाता है, आज नहीं तो कल वो मरना है। उसकी 2,00,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, और वो मुझसे करता है बहुत प्यार। समझ में आ रही है? प्यार तो मैं भी करता था। तो प्यार तो मैं भी तुमसे ही करती हूँ, वो तो सिर्फ मेरा नाम का पति है, और मैं उसे मुँह भी नहीं लगाती हूँ, तुम्हें पता है। आके हुक्का पी के दारू पी के उसे होश भी नहीं रहता, वो कहाँ पड़ा है तुम्हें मालूम है कुछ? आज भी मैं तुम्हारी वही पुराने फोटो, पुराने लेटर देख देख के दिन याद करती हूँ। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी जगह किसी और को दूंगी? लेकिन सनी, लेकिन दुनिया की नज़रों में तो अब तुम शादीशुदा हो गई, और शादीशुदा लड़की का परिवार दोबारा नहीं बसता है। ये तुम्हें अच्छा, भी समझना चाहिए। अच्छा तुम बाहर रहने के बावजूद तुम इतनी छोटी सोच रखने लगे हो? मैं सोच छोटी नहीं रख रहा हूँ, मैं समाज को देख कर चल रहा हूँ। अगर कल को तो समाज को देख लो फिर, मैं जा रही हूँ। एक मिनट, समाज को भी तुम्हें देखना है, मुझे भी देखना है, रोकना भी है। अरे समाज क्या करेगा जब हम दोनों मिच्योर है, एज हमारी सही है, हम कोई नाबालिग है जो हमें पुलिस पकड़ेगी या कोई तरह का केस, हम दोनों समझदार हैं। तेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मुझे पता है कि हम दोनों मेच्योर हो चुके हैं, हम दोनों पूरी तरह कम्प्लीट लिए हैं, लेकिन तुमने शादी कर इतना बड़ा फैसला ले लिया है अपनी जिंदगी में कि अगर मैं चाहूँगी तो किस हिसाब से तुमको रोकूँ अब, क्योंकि तुम पर मेरा कोई हक ही नहीं रहा। ऐसी बात नहीं है, समझने की कोशिश करो, ऐसा नहीं है। आज ना तुमने मेरा सच में दिल तोड़ दिया। मैंने सोचा था मुझे दुनिया ज़माना गलत कहे, मुझे दुनिया गलत समझे, लेकिन जिस दिन तुम मेरे सामने आओगे ना तो तुम मुझे समझोगे, गले से लगाओगे, ये कहोगे कि तुम्हें सच में। गले से लगने के लिए कभी तुमसे मना भी नहीं किया, लेकिन तुमने मुझे उस कगार पर ला कर खड़ा कर दिया कि मैं कुछ कहने लायक ही नहीं रहा। लेकिन अब आगे क्या होगा? तुम सच में नहीं समझ रहे हो, मैं सच में जाऊँ? मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ, बस अब इतना मुझे बताओ कि अब हम लोगों को क्या करना है। मेरा पति कल आ रहा है मुझे लेने, ठीक है? तो मोबाइल हैगा, PNT वाला ज़माना नहीं है। मैं जानता हूँ। समझ में आ रही है? नहीं, मोबाइल है, मैं एड्रेस भेजूँगी तुम्हें, आप वहाँ पर आना, वहीं मिलेंगे, वहीं रेस्टोरेंट में बैठ के बात करेंगे, वहीं आसपास कोई कमरा लेना, वहीं रहना, वहीं से करना जो भी है। और कमरा तो तुम्हारे घर में मिलेगा मुझे। पूछो कैसे? वो वहाँ पे नाग बन के बैठा रहता है मेरा पति, बुढ़ा जरूर है वो, लेकिन दिमाग उसमें बहुत सारा है। उसके दिमाग को मैं वहीं खत्म कर दूंगा। अच्छा शायद वो सब तुम मुझे जानती नहीं हो कि मेरे अंदर कितना माइंड भरा हुआ है। मैं आऊंगा, लेकिन तुम्हारा रिश्तेदार, वो तुम्हें आना पड़ेगा, समझे? तुम्हारा रिश्तेदार बनकर, और तुम उसके दिमाग में अभी से ये फितूल भरना चालू करोगी कि हमारे यहाँ, हमारे घर में एक मामा का हमारे बेटा है, मैं तुम्हारी मामा का बेटा बनके। मैंने कभी से इस बारे में कभी जिक्र ही नहीं करा। तो यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात का जिक्र करो, तुम इस बात का जिक्र करो उसके दिमाग में। छोड़ो ये सब बातें छोड़ो, मैं कोशिश करके देखती हूँ, अगर जैसा भी होगा मैं तुम्हें फोन पर कंफर्म करके बताऊंगी। ठीक अब, ठीक है, अब मैं जाती हूँ, वही देख लेना। ओके बाय बाय। अरे ठाकुर साहब बोलिए। राम राम। नहीं कुछ नहीं ठाकुर साहब। राम राम ठाकुर साहब। हाँ राम राम। मैंने क्या सुनते हो क्या कानपुर में हड़ताल है तुम्हारी? नहीं, पूरी खुली हुई है, कानपुर की हड़ताल नहीं है, पूरा कानपुर खुला हुआ है। अच्छा हाँ। मैं ये कह रहा था ठाकुर साहब कहाँ जा रहे हो इतने चमक ढमक के, माला डाल के, पगड़ी बांध के? हाथ मत लगाओ, अभी सोने की मंगवाई है भाई। ये सब गंदी हो गई, बाहर से मंगाई है। हम जा रहे हैं ठकुराइन को बुलाने। ठकुराइन को? तुमने शादी कर ली? हाँ। अरे बुढ़े काय गुस्सा नहीं रही तुम्हें? ऐसा बुढ़ा तो
तो हमारे बाप भी नहीं हुए अभी। नहीं तुम्हें तो शर्म क्यों नहीं? उनके भी अभी 15-20 बच्चे हो सकते। मुझे एक बात बताओ, इधर आओ बेटा। हाँ, आ गए। तुम्हें इस समय जो तुम्हारी उम्र है ना, इस उम्र में तुम्हें वृंदावन जाना चाहिए, मथुरा जाना चाहिए, है ना? हंसी आ रही है मुझे इन नामों पे, वृंदावन जाना चाहिए के मथुरा जाना चाहिए के वहां पर गोवर्धन जाना चाहिए। ये उम्र है मेरी गोवर्धन जाने की? तो क्या शमशान जाओगे? अच्छा, शमशान जाए तुम्हारे अब्बा? अच्छा, तो जाने लगे क्यों जाएंगे? सुनो, ऐसा है, एक बात बताऊं तुम्हें। बुड्ढे? नहीं बुड्ढे मत कहना, चौधरी साहब, ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, तुम अपनी वो भी भूल जाते हो, चौधरी को करो। वो दिमाग से निकल गई थोड़ी सी। ऐसा है, मेरी बात समझो। देखो एक बात बताओ, अगर तुम इस गांव में इस तरीके का ये नंगे नाच करोगे तो हमारे जो जितने भी गांव के बालक हैं इन पर क्या असर पड़ेगा? अच्छा, ये नंगा नाच है? हमारे डाली है, शादी करिए। अरे हम पे माल की कमी है, कोल्ड स्टोर हमारा। चुप, पहले खामोशी से सुनो। कोल्ड स्टोर हमारा, पेट्रोल पंप हमारे, ट्रक 20-22 ट्रक हमारे चला है, ठीक है? और हमारी पत्नी मर गई और हमारे बच्चे नहीं हुए। अब हम बच्चे, मतलब वो हमारी सल्तनत को कौन बरतेगा? कौन बरतेगा उस जायदाद को? तुम पर 40 साल से कोई चुईया नहीं हुई है? और अब तुम्हारी 60 वर्ष की उम्र हो गई, अब कौन से बच्चे पैदा करोगे? अरे बच्चे तो क्यों नहीं होंगे, हमने अच्छे भावरे ने डाली। ठकुराइन को बुलाने जा रहे हैं? काई नहीं बुलाने जा रहे हैं ठकुराइन? ऐसा है, सुनो। और सुनो मेरी बात, सुनो। तुम्हारे, तुम्हें भी पता नहीं है, तुम्हारे अब्बा के बच्चे नहीं हुए मगर अब हमारे बच्चे होंगे। अरे क्यों नहीं हुए? हम नहीं हुए? अच्छा तुम हुए, अब्बा के ही हो? अच्छा ठीक है, तो मान ली, मान ली, तो अब तुम हमारी भी मान लो कि अब तुम्हारे ताऊ के भी बालक होंगे। और सारी जो हमारी कोठी है, बंगला है, सबके ऊपर काबे छोड़ के जाएंगे भाई, बर्तने वाले छोड़ के जाएंगे। तुम्हारा रॉकेट तो फुश हो गया। शट अप, काम का है। बादाम और देसी घी मार रहे हैं, हमारा ना रॉकेट कभी भस्म होगा और ना ही वो नष्ट होगा। वो हमेशा जब भी तैयार था और आज भी तैयार है। आइंदा हरकत मत करना। अरे बड़े बूढ़े तुम, अरे बड़े बूढ़े होंगे तुम्हारे बाप, तुम्हारे बाप भी नहीं है अभी। भैया ये कैसा जमाना आ गया भाई सुख का, मतलब बूढ़े इनको जवानी बनना रही है। आओ ठकुराइन, आओ। कहाँ आओ, आओ करे पड़े हो ठकुराइन को, मेरे तो पैरों में दर्द हो गया। अरे कितना दूर है आपका गांव? अरे चल चल के थक गई हूँ। अरे ठकुराइन बात तो सुनो, बस आ चुका है, देखो सामने ही अपना महल है। अपनी अपनी मुझसे चला जा रहा, मैं थक चुकी हूँ बुरी तरीके से। अरे ठकुराइन हमारी बात तो सुनो, बस आ चुके, अब ज्यादा दूर नहीं है, अब तो ज्यादा से ज्यादा बस बहुत जरा सी दूर है, देखो सामने हमारा ही महल है। चलो चलो, आओ 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 ठकुराइन आओ, अब आराम करना ढंग से घर पे जाके। अरे ताऊ जी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। और ठीक हो? हाँ फर्स्ट क्लास, सब बढ़िया है। तुमने तो बताया भी नहीं कि तुम्हारी कोई बेटी भी है। यार क्या भक्ति हो बेटा, अरे ये बेटी नहीं है, ये ठकुराइन है हमारी। ए, क्यों मजाक कर रहे हो? अरे मजाक नहीं कर रहा, हमारी पिछली बीवी मर गई थी, तुम्हें मालूम नहीं है? तुम्हें तो मालूम है, पहले से ही मालूम है कि हमारी बीवी मर चुकी है और उनसे कोई बच्चा भी नहीं था। हम चाहते हैं कि इस घर का वारिस हो, इस महल का। बीवी है? हाँ हाँ बीवी है हमारी। मुझे इतनी और अपनी आंखों पे इतनी खूबसूरत तुम्हारी बीवी, और तुम कहाँ 80 की उम्र भी पार कर चुके है? अभी 80 की नहीं है, कहाँ से बोल रही हो तुम्हारी? अभी हम जवान है बिल्कुल। ना ना ना, अरे ये देखो बैग पूरा, एक हाथ से देखो 50,000 रुपया बुढ़ा आदमी उठा लेगा इतना बड़ा बैग? इसमें तमाम इनके कपड़े हैं और सोने चांदी के जेवरात हैं, कई मन का है ये। बस जी बस बस कर, इन्हें मालूम ही नहीं है। हाँ हाँ कोई। अच्छा हाँ चलो, तुमसे तो खैर। वैसे एक बात बताओ, तुम इनकी बीवी हो? जी। तुम्हें, तुम्हारे लिए क्या लड़कों की कमी थी इसमें? नहीं। और लड़के नहीं मिले तुम्हें? तुम्हें यही मतलब ताऊ की काट कर रही है तू? ताऊ के मुंह पे काट कर रही है? ना ना, तू गांव की है हमारी दुश्मन है या हमारे गांव की है? क्यों रही है? चुप रहो, मैं जरा उनसे बात करी। अरे तो बात तो कर ले, मैं मना ना कर रहा, मतलब गई मिले के वो ही मिले। बस जी, बस। अगर उस रात तुम्हारे मम्मी पापा सो जाते तो तुम्हारे जैसा नमूना ना पैदा होता। चुप, चुप। मैं ये कह रही हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा तुमने इनसे कैसे शादी कर ली। मैं कॉलेज थी, मेरे घर वालों से इन्होंने वचन ले लिया, कसम ले ली, प्रॉपर्टी जायदाद दिखा के। और हर माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारी बेटी को पति पैसों वाला मिले, घर मकान गाड़ी घोड़ा मिले, और हमारी बच्ची खूबसूरत तो उसके शौक मौज अच्छे हों। और हम लेकिन भले ही तुम बेकारी के लिए शादी कर लेती, लेकिन इतनी उम्र के आदमी के
फिर, अरे फिर बोले जा रही है, तू हमारी काट कर रही है, हैं? अरे तू हमारी दुश्मन, हमारे गांव की है। अरे ये ठकुराइन हमारी है, और सुन ठकुराइन के लिए कोई कमी नहीं है। अच्छा वो खैर तुम तो चाची ताई तो मैं कहूंगी ना, दीदी कह सकती हूँ। अच्छा नहीं लगेगा, आपको बुरा लगेगा। अच्छा एक बात बताओ दीदी, तुम्हें पता है कि कानपुर में हड़ताल हमेशा रहती है? हाँ हाँ पता है मुझे। अच्छा तो फिर ये भी पता होगा कि इनकी जो चार बीवी थी वो, अरे चार बीवियों की, हाँ मैंने तो सुना है मर गई है। सही कह रही है ठकुराइन, अरे चुप रहो यार, ये आदमी हमेशा बोलता है मरी नहीं है, इसी गांव में चारों कॉर्नर पे चारों बीवी ठिकाने पे लगी हुई है। कोई घेर में रह रही है, किसी के घर है, कोई झोपड़ी डाल के रह रही है, अरे लेकिन है इसी गांव में ही। ठाकुर साहब, इतनी प्रॉपर्टी होते हुए, इतना सा धन दौलत होते हुए, आपने चार शादी करके चारों बीवी घर से निकाल दी? अरे ठकुराइन ये झूठ बोल रही है। अरे नहीं ठकुराइन, आप यकीन मानो, मैं बताऊँ, सुनो दीदी सुनो, इनकी क्या औकात जो ये निकाल पाए वो खुद भग गई, और चार दिन बाद तुम निकल लोगी, तुम्हारा भी घर तैयार है अंदर। अरे ना गई तो अपने घर ना जाए तो कह जा रही हूँ, पर ऐसा लग रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है साहब। चलो चलो, ये हमारे साथ ही सती होंगी, चल निकल यहाँ। अरे चल, ये तो तुम्हें सती कर जाएंगी, खुद भी सती ना होंगी। ओ भाई की ताऊ, ताऊ राम राम। है राम राम बेटा, राम राम। ताऊ जी को तुम्हारी छुरी है? अब छुरी होगी तेरे बाप की, और तेरी होगी बहन। अरे मेरी है ठकुराइन जी। का कह रहे हो ताऊ तू? सही कह रहा हूँ। अरे सही कह रहा हूँ मैं जो कह रहा हूँ। अबे हम तुझे फकीटे नजर आ गए क्या? अबे हमारे पेट्रोल पंप, हमारे शादी घर है, और देख हमारे 20-22 ट्रक चले, और देख हमारा एक माँ महल है, एक उधर महल है। ठाकुर साहब बस हो गया। ताऊ मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्यों विश्वास? अरे कहाँ तुम्हारा बुढ़ापा ठकुराइन? अरे कहाँ तुम्हारी पुराने जमाने की वो बुलेट, और कहाँ नई जमाने की बुलेट? अरे तो नए जमाने की बुलेट और पुराने जमाने की बुलेट क्या हो गया, क्या एक जगह खड़ी ना हो सके दोनों बुलेट? अरे थोड़ी है शर्म कर ले। छोड़ो छोड़ो, अरे शर्म काहे की है? अरे शर्म, और तुम भी, अरे तुम्हें तो कम, चलो ये तो अपनी पैसे में चूर है, तुमने तो थोड़ा देखा होता किससे शादी कर रही हो तुम। माँ बाप ने देखा। अबे तुम हमारे गांव के हो, तुम हमारी कटी कर रहे हो। अबे ये भामरे डाली है ये ठकुराए ने, जा अपना रास्ता ना जा, चलो घर। परेशान है, और सुनो इनके घर में ना तो खाने को ना नहाने को, हमें इस गांव में बहुत अमीर। मुझे आ रहे हैं चक्कर, में बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अरे ठकुराइन बस घर आ गया, अब तुम आराम करना, भैया एसी लगा हुआ है, तुम चिंता मत करो। अरे 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 भैया, मैं आपको देख खुद ही रुक रहा था, वैसे भी मैं इसलिए रुक रहा था। रुक नहीं रहे, मैंने रोका है। नहीं नहीं भैया, मैं खुद ही रुक रहा था, क्योंकि मैं जिसके घर मुझे जाना है ना, उनका घर मुझे पता नहीं है, तो मैं आपसे एड्रेस ही पूछने के लिए। किसके घर आए हो? मैं वो आप जानते होंगे कौन, उनके 3-3 पेट्रोल पंप है, और आपके क्या कहते हैं उनका और भी बिजनेस है, मतलब काफी पैसे वाले हैं, और इस गाँव के सबसे समृद्ध ठाकुर हैं। आओ उनकी बात कर रहे हो, बुड्ढे कहाँ हैं? हाँ हाँ हाँ। अच्छा उन्होंने अभी हाल फिलहाल में 4-5 महीने पहले नई शादी की है। हाँ हाँ, 16 बजे नहीं है उनके अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम कौन हो? मैं उनकी जो बीवी है ना, हाँ हाँ सनी जी। हाँ मैं उनके मामा जी का बेटा। बीवी को नाम सनी है जी? अरे बताओ, पहले तो ऐसे नाम हो करते कटोरी देवी, रामबती, भूपती है भैया। वो आपके समय पे नाम होते थे, वो पुराने जमाने में नाम होते थे, गमार लोग थे, जानते हैं नहीं थे, कथा वगैरह कराते नहीं थे, ऐसे बच्चों के नाम लिख दिए, सुक्का चलुक्का कुछ भी रख देते थे। अच्छा आजकल का समाज थोड़ा पढ़ा लिखा है, तो मतलब हमारी बेइज्जती कर रहे हो? नहीं बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं संस्कृति का डेवलपमेंट बता रहा हूँ आपको। अच्छा ऐसा है, पहले तो एक बात सुनते जाओ मिस्टर, बताइए 400 BC करना मत इस गाँव में, और सुनो जिसके यहाँ तुम आए उसके यहाँ ना तो कोई रिश्तेदार आता है और ना कोई जाता है। अच्छा अच्छा, आज तुम्हारे कैसे कदम पड़ गए? वो ऐसा था,
हमारी माताजी का, अब हमारी माताजी जो है ना थोड़ी सी परेशान रहने लगी है, तो उन पर क्या कहते हैं काम वाम नहीं होता, मेरी भी स्टडी का टाइम चल रहा है, तुम यहाँ आ गए पढ़ाई का। अच्छा मैंने यहीं पास ही में शहर है ना आपका, क्या कहते हैं अलीगढ़, वहीं से मैं क्या कहते हैं इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा हूँ। कौन से कॉलेज से? उससे क्या है AMU से। अच्छा AMU का वो कोर्स कर रहा हूँ क्या कहते हैं इंजीनियरिंग का, तो उनसे इसी वजह से मुझे वहाँ प्रॉब्लम होती थी खाने पीने में, आने में जाने में, क्योंकि दूर पड़ता है हमारा गाँव, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। देखो ऐसा भाई साहब, देखो उसके चार दीवारें और चार दीवारों पे बहू रहती है उसकी, कोई बात नहीं समझे, और दूसरा नंबर आज तक हमने उसके घर में कोई रिश्तेदार आता हुआ नहीं देखा, आपको आता हुआ देखा है जी। आप ये बताओ कौन लगते हैं उनके? मैं उनके मामा जी का बेटा हूँ। मामा जी के बेटे हो? चो जी मामा जी के बेटे हो जी, ठीक है कोई बात नहीं, आप जा सकते हो, बाकी हम फिर मिला लेंगे। पर आपने घर नहीं बताया अभी। घर यहाँ से सीधे जाके ठीक है, और ये उल्टे हाथ में मुड़ने के बाद में सामने ही उनका घर मिल जाएगा भाई। थैंक यू भैया, जाओ जाओ आराम से। कर तो ये बताया घर बड़ा आलिशान है। अरे कोई है ठाकुर साहब? कौन आ गया? अरे अरे को क्या हुआ, तुम यहाँ तक चले आए? तो तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? अरे मैं तुम्हें देख के खुश हूँ, ठाकुर साहब नहीं है। ठाकुर साहब नहीं है? मुझे तो ऐसा लगता है ठाकुर साहब से ज़्यादा तुम मुझे देखकर परेशान हो यहाँ। अरे नहीं पापा नहीं, कैसी बातें कर रही हूँ, मैं खुश तो हूँ। मैं तुम यहाँ क्यों चले आए, तुम भाई कहीं बाहर मुझे कॉल कर देते, मुझसे रहा नहीं जा रहा था यार। तुम समझदार हो, तुमसे बिना, तुम्हारे बिना मेरा जीवन काटना बहुत मुश्किल हो गया है, और जब से तुम मिली हो अब और ज़्यादा परेशानी होने लगी है। अगर नहीं देखते, जब से तुम नहीं दिख रही थी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब तुम मुझे दिखी हुई हो, मुझसे रहा नहीं जा रहा। दोनों बाहर रेस्टोरेंट में मिल लेते ना, समझा करो ना, क्या कहूँगी मैं ठाकुर साहब? मैं नहीं मिल सकता रेस्टोरेंट में, चॉइस करनी होगी, या तो तुम्हें मुझे इस घर में रखना होगा, या फिर तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास। ये तो कोई बात नहीं हो गई है कि हमेशा के लिए भूल जाओ, ऐसा कोई रिश्ते खत्म नहीं हुआ करते हैं यार। तो फिर बताओ ना, क्लियर करो। चलो ठीक है, तुम अंदर आओ, मैं करती हूँ कुछ ना कुछ चुका। आओ आओ ना। अब क्या सोच रही हो तुम? मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो, वो आएंगे ठाकुर साहब, ठीक है, तुम चुप रहना, ओके। कुछ मत बोलना, क्योंकि उन्हें नाम नाम राम राम नमस्ते जो भी करना, ठीक है। मैं उनसे ये कह दूंगी, ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या कहना है तुम्हें। बताओ। मुझे अभी गांव के एक दो लोग मिले थे। अच्छा। उन्होंने मुझसे पूछा कि, मैंने उनसे एड्रेस लिया। अच्छा। कैथोली के उनका ठाकुर साहब का घर कहा है, तो मैंने उन्हें ये बताया है गांव के लोगों को कि जो उनके घर में नई लड़की जो आई है शादी हो कि सनी जी। अच्छा। मैं उनके मामा जी का बेटा हूँ, और यही बात तुम्हें कन्फर्मेशन रखनी है, सबके दिमाग में यही फितूल बिठा दो कि मैं तुम्हारे मामा जी का बेटा हूँ। ओके ठीक, चलो ठीक है। मैं ना बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा हूँ, तुम मैं थका हुआ। हाँ तुम आराम करो, ये दरी कमरा है, तो समझा करो तुम। मैं ना तुम्हें आराम नहीं, ठाकुर साहब आने वाले हैं, मैं कुछ बना लूँ। बनाओगे ना? तुम भी तो थके हुए आ रहे हो, मैं कुछ बना के लाती हूँ। चलो ठीक है, तुम्हें फ्रेश होता हूँ। हाँ कुछ बना। अरे ठकुराइन, ए ठकुराइन। हाँ जी आ गए आप? अरे मैं तो आ गया, ये कौन है रसीले? ये नमस्ते, ये मेरे रिश्तेदार हैं। हैं ये मेरे रिश्तेदार हैं मामा के। ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं? हाँ। कौन, कैसे, किस, कौन, किस तरह के, कैसे? मैं इनके मामा जी का बेटा। मामा जी? अच्छा, इनके मामा जी के बेटे हो तुम? जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बेटा आप पढ़े लिखे हो? हाँ हाँ। ये ऐसा था, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, तो अब मैं यहाँ से इंजीनियरिंग कर रहा था आपके AMU से। अच्छा अच्छा, अलीगढ़। अच्छा 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 अच्छा, शाबाश शाबाश। अच्छा प्रॉब्लम ये हो गई है कि मेरे गांव से कॉलेज बहुत दूर पड़ता है, तो मैंने सोचा कि आसपास में कौन है, तो सनी दीदी की याद आ गई। मैंने सोचा कि वही आसपास है अलीगढ़ शहर से थोड़ी सी दूरी में, तो अगर वो उनके पास अगर चला जाता हूँ तो मुझे शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ तक पढ़ाई करने में। हाँ हाँ, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं? मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ना कोई प्रॉब्लम है, और यहाँ पढ़ाई भी करो जी, और हम कहते हैं हमारे उस पर चले जाओ कोल्ड स्टोर पर, जी जी वहाँ पर सब देखा भाली करो और हिसाब किताब लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। क्यों ठकुराइन? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, कामों में हाथ बटाना चाहिए, काम नहीं नहीं नहीं, इसका एक्सपीरियंस का पैसा मिलेगा, एक्सपीरियंस तो होगा ही होगा जी, मगर आपको हम पैसे भी देंगे। बहुत अच्छी, ऐसी बात नहीं है कि पैसे नहीं मिलेंगे, आपको पैसे भी मिलेंगे। चलिए, क्योंकि हमें एक मुंशी की जरूरत थी वहाँ। चलिए अब इन सब बातों को छोड़िए। हाँ। खाना बना लिया है? हाँ हाँ, आपने खाना खाया? नहीं, आपके साथ। और आपने नाश्ता करवाया? मैं आपका इंतजार कर रहा था। ठीक है चलिए चलिए, आइए चलिए, इनके साथ ही भोजन करूँगा। अरे कहाँ हो जी?
हाँ बोलो। आपके प्रिय स्वामी जी जा चुके हैं। अच्छा गए वो? हाँ। थैंक गॉड। थैंक गॉड। अब घर तुम्हें दिखाऊंगा। तुम ना भगवान की कसम, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मुझे ना घर में बर्तन धोने हैं और वो आ रहे हैं, उन्हें गरम खाना चाहिए। अभी वो खा के गए, उन्हें शाम। तुम चाहती क्या हो कि मैं यहाँ से जाऊँ? अरे नहीं बाबा, नहीं, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? अच्छा, हम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, हम लोग इस तरीके से एक दूसरे को देख पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, छुपा, ये कम है क्या? बात को भी समझो, तुम्हारे लिए बहुत है ना। ठीक है, मैं चला ही जाता हूँ। मैं भी थोड़ा टेंशन में हूँ, प्लीज समझो ना, प्लीज। मैं टेंशन दूर करने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ, चलो चलो, अम्मा अंदर बैठ के।